मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच इसराइल की सेना ने फिर लेबनान पर हमले का ऐलान कर दिया है। आईडीएफ ने कहा कि वह जल्द ही लेबनान के दक्षिणी तट पर अभियान शुरू करेगी। उसने भूमध्य सागर के 60 किलोमीटर क्षेत्र में निवासियों तथा मछुआरों को समुद्री तट से दूर रहने की चेतावनी दी है। सेना के बयान में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस तरह का अभियान चलाया जाएगा। इजरायली सेना हिजबुल्ला के खिलाफ सैन्य अभियान के तहत दक्षिणी लेबनान में हवाई हमले करने के साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में जमीनी कार्यवाही भी कर रही है। सेना ने एक बयान में लेबनान के अवाली नदी के दक्षिण तट पर रहने वाले निवासियों से कहा गया है कि वे अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए समुद्री तटों से दूर रहें। इजरायली सेना का कहना है कि वह जल्द ही लेबनान के दक्षिणी तट पर अभियान शुरू करेगी, जिसमें निवासियों को समुद्री तटों से दूर रहने और मछुआरों को 60 किलोमीटर की दूरी तक समुद्र से दूर रहने के लिए कहा गया है।